पवन सिंह के तलाक को लेकर नए अपडेट हम आपको देते रहते हैं। अब ऐसे में अपडेट ये आया है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक अभी रुक सकता है। जी हाँ, अगर क्लोज सोर्सेस की माने तो फिलहाल ये दोनों साथ रहने पर विमर्श कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि पवन सिंह इन सब चीज़ों के लिए कतई रेडी नहीं है। हाँ, ये बात और है, ज्योति सिंह एक मौका और देना चाहती हैं अपने रिश्ते को, लेकिन पवन सिंह की तरफ से पूरी तरह से ना है। पवन सिंह ये चाहते हैं कि ज्योति सिंह मंथली मेंटेनेंस ले और उनकी ज़िंदगी से चली जाए, उन्हें और दे और उन्हें अपने साथ रखें। लेकिन अब इस पर पवन सिंह की तरफ से कोई रिएक्शन तो नहीं आया। ज्योति सिंह के वकीलों और क्लोज सोर्सेस की माने तो ज्योति सिंह मन बना चुकी हैं कि पवन सिंह और अपने रिश्ते को वो एक मौका और देंगी, इस शादी में एक और मौके के साथ आगे बढ़ेंगी, पिछली बातों को भुलाकर वो नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना चाहती हैं। लेकिन पवन सिंह के जो फैंस भी हैं वो और पवन सिंह के जो करीबी सपोर्टर्स हैं वो खुद नहीं चाहते कि ज्योति सिंह दोबारा उनके लाइफ में आए, क्योंकि उनकी वजह से पवन सिंह की काफ़ी बदनामी हुई है और पवन सिंह की काफ़ी छिहाल इधर भी हुई है। अब ऐसे हालात में उनके फैंस और सपोर्टर भी नहीं चाहते कि ये दोनों एक हो जाए, भी हैं वो नहीं चाहते कि ज्योति सिंह दोबारा उनकी लाइफ में आए, क्योंकि ज्योति सिंह का सीधा कनेक्शन अक्षरा सिंह से है और ऐसे में ये सभी जानते हैं कि ज्योति सिंह भले ही पवन सिंह के लाइफ में वापस आ जाएंगी, लेकिन उस हिसाब से रिश्ते में फिर से वो चाम लौट कर नहीं आएगा जो चाम पहले हुआ करता था। आपकी क्या राय है? क्या इन दोनों को एक हो जाना चाहिए या फिर इन दोनों को अपनी राहें जुदा कर लेनी चाहिए? हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।